तो भगवान पाप दुष्कर्म हर बुरी चीज को भी जन्म देते हैं, जिससे कि जीवात्मा को ये समझ में आ जाए किस चीज को त्यागना है, किसको अपनाना। अगर जो हर बुरी चीज को, पाप को, अत्याचार को, अन्याय को, सबको निकाल दिया जाए तो ये जीवन बिल्कुल निराश हो जाए, केवल एक ही रास्ता रह जाए, सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए कि या तो भगवान के भक्त बन जाओ नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो अच्छा, और वास्तव में सारे वैकुंठ जगत में वो ही है, लेकिन क्योंकि भगवान ने यहां हमें अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, लोभ को, क्रोध को, मोह को फलीभूत करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए हमें यहां भेजा है, इसलिए वो सब चीज यहां बनाई गई। तो ये सब भी है भगवान का ही बनाया हुआ, जिससे कि हम चूज कर सकें कि हमें इधर अच्छे मार्ग पे जाना है या इधर बुरे मार्ग पे जाना है। ये सब रास्ते भगवान ने हमारे लिए इसलिए बनाए हैं, जिससे कि जब हम भगवान के पास जाएं तो स्वेच्छा से जाएं, इसलिए नहीं जाएं कि और कोई रास्ता ही नहीं है। जब कोई छोटा बालक अपने मां बाप से कहता है 5 साल का, मैं अपना घर छोड़ के जाना चाहता हूं, मुझे जाने दो, मुझे घर में नहीं रहना, क्या करते हैं हम उसको जाने देते हैं? नहीं, 2 चाटे लगा के बैठा देते हैं कि नहीं कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब वही बालक 35 साल का हो जाए और तब ये कहे तो फिर आप उसको 2 चाटे मार के बैठा नहीं सकते, वो चला जाएगा। आपकी इच्छा है कि वो आपके पास वापस आए, लेकिन आप चाहते हैं कि वो स्वेच्छा से हमारे पास वापस आए, किसी मजबूरी से नहीं, हमसे प्रेम करता है इसलिए हमारे पास वापस आए, किसी मजबूरी से नहीं। उसी तरह भगवान भी ये चाहते हैं कि मेरे ये पुत्र पुत्री, हम सब जो बना भगवान के बनाए हुए जीव, हम स्वेच्छा से भगवान के पास जा रहे हैं। हमारे पास और भी बहुत कुछ रास्ते होने चाहिए जहां हम जा सकते हैं, वो सब त्याग कर हम भगवान के पास जाना चूज करें। तो वो एक प्रेम का प्रदर्शन है, लेकिन जब और कोई रास्ता ही नहीं है तो फिर क्या प्रेम, तो मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो अगर इसी वजह से हमें भगवान के पास जाना है क्योंकि और कुछ है ही नहीं, तो उसमें कुछ रस नहीं है, ठीक है। तो और प्रश्न है गुल्ला जी, माइक लेके आए। ये आगे माता जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्या आया है कि जैसे प्रेम का आनंद विरह के बाद ज्यादा आता है, अगर विरह नहीं हो तो शायद हम उस प्रेम की वैल्यू भी ना करें। इसी तरह से कि अगर पाप नहीं होगा तो भक्ति का शायद आनंद ना आए, या वो भी बहुत अच्छा उत्तर। जैसे प्रभुपाद जी की किताब में मैंने पढ़ा कि विविधता भगवान का स्वभाव है, जैसे हम चंचल हैं, हर वक्त कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, इस तरह ये शायद गुण हमें भगवान से आया है विकृत। वो भी बहुत अच्छा उत्तर। तो मेरा प्रश्न ये है
नहीं वैसे विचार एक मन में आया तो मैंने खुद के विचारों क्लियर किया कि क्या ऐसा नहीं। प्रश्न ये है कि जब हम धाम में भगवान के साथ थे तो हमारे मन में ईश्वर दृष्टि क्यों आ गई? सब कुछ आध्यात्मिक, यहाँ तो हम हजारों के कर्म में हैं ही, पर वहाँ क्यों आती है? कुछ ऐसा करे कि जब जाए तो फिर हमें दोबारा ईश्वर में आए। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे खेद है कि उत्तर जो है वो सेम ही है। सेम इसलिए कि अगर जो भगवान के लोक में जाके हमें और कुछ ख्याल ही नहीं आ सकता तो इसका मतलब हम बद्ध हो गए, इसका मतलब हम वहां स्वेच्छा से नहीं है, इसका मतलब हमें वहां बांध के बंदी बना के रखा जा रहा है कि हमारे मन में और कोई ख्याल ही नहीं आ सकता, केवल यहां बेगारी करो। तो उसमें जब जीव में स्वेच्छा ही नहीं है तो फिर उसके साथ प्रेम का क्या आनंद है? जिस किसी से आप प्रेम करते हो, आप चाहते हो कि वो स्वेच्छा से आपसे प्रेम करे, किसी मजबूरी में नहीं। अगर कोई मजबूरी में ही प्रेम करता है तो वो क्या प्रेम है? उस प्रेम में कितना आनंद है जो बिल्कुल मजबूरी में ही किया जा रहा है, जबरदस्ती मारपीट के, और कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। लेकिन अगर वो स्वेच्छा से करे तो आनंद। तो इसलिए वो इच्छा भगवान हमें हमेशा दिए रखते हैं कि तेरी इच्छा है तू यहां रह या जा। अगर वो इच्छा भगवान ने हमसे ले ली, वो तो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो इच्छा हमसे ले भी सकते हैं, और वो ले लें तो फिर हम बिनमोल बिके हुए नगर हो जाएंगे, क्या दास जो बेगारी करता है, स्लेव। स्लेव को कोई ऑप्शन नहीं होती, उसका प्राइस पे कर दिया गया, अब वो स्लेव आपका है। भगवान हमसे स्लेवरी नहीं चाहते, प्रेम चाहते हैं। अगर जो स्वेच्छा चली गई तो हम स्लेव हो जाएंगे। स्लेव का प्रेम क्या प्रेम है? प्रेम तो उसका है जो स्वेच्छा से आपको प्रेम कर रहा है। तो सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में ये हिरण्याक्ष सबसे पहले राक्षस हुए, और सृष्टि के प्रारंभ के बाद सबसे पहला अवतार वरा अवतार जिनका आज अपीयरेंस डे मना रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने के लिए श्रीमद् भागवतम के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि हिरण्याक्ष ने क्या किया था। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है ये 14 भुवन है, सब अपने अपने लोक हैं। वो पृथ्वी को जो यहां अपने स्थान पे घूमती है उसको इस स्थान से उठा के नीचे गर्भोदय कोशन में ले गया। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, एक पृथ्वी पर रहने वाला प्राणी कैसे पूरी पृथ्वी को उठा सकता है? हमसे तो एक स्क्वायर किलोमीटर दे दो वो भी नहीं उठेगा, ये तो पूरी धरती उठा ली इसने। तो उसके लिए पहले हमें इसको समझना होगा। सबसे पहली बात, अभी कलयुग है, हम लोगों की उम्र कलयुग में करीब 100 साल होती है, कलयुग के अंत में थोड़ी सी ज्यादा, कलयुग के प्रारंभ में ज्यादा और कलयुग के अंत में कम होती 4-5 साल रह जाएगी, लेकिन जनरल आइडिया 100 साल की है कलयुग के इस समय। उसी तरह से द्वापर में वही उम्र करीब 1000 साल होती है, मनुष्य 1000 साल को जीते हैं।
द्वापर त्रेता में लोग 10,000 साल जीते। जैसे कि परसों बताया था कि भगवान राम ने कितने समय तक राम राज्य किया, 11,000 साल तक। 11,000 साल तक इसलिए क्योंकि उन दिनों आम लोग भी 10,000 साल की उम्र होती है। तो उस तरह से सतयुग में 1,00,000 साल की उम्र होती है मनुष्य की, 1,00,000 साल। तभी जैसे कल बताया प्रहलाद के बारे में बता रहे थे, तो कि उनके पिता हिरण्यकश्यप 60,000 साल की तपस्या के लिए चले गए। अब अगर कोई 100 साल की उम्र है उसके पास, तो 60,000 साल के लिए तपस्या के लिए कैसे चला जाए? लेकिन अगर 1,00,000 साल की उम्र है तो फिर तो 60,000 साल के लिए जा सकता है। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार वही रियलिटी है, उस समय लोगों की उम्र 1,00,000 साल होती। अब 1,00,000 साल के हिसाब से तो इनकी उम्र है, वो भी सतयुग अभी स्टार्ट हुआ है, उससे भी ज्यादा होगी। और उसी तरीके के आकार हुआ करते, जैसे कि आजकल दुनिया में सबसे लंबा आदमी करीब 12 फुट का है, चाइना में रहता 11 फुट 9 इंच कुछ है अभी भी। और बहुत से लोग सैकड़ों 9-10 फुट के होते, आम आदमी फिर भी 5.5-6 फुट। उस तरह से द्वापर में लोगों का साइज उसी हिसाब से बड़ा हुआ। 5,000 साल पहले ये दिल्ली में पुराना किला है, ये पांडवों ने बनाया था। अब हमारा जो आकार है 5.5-6 फुट, ज्यादा कोई 6.5 फुट, तो हम 7-7.5 फुट का डोर लगाते हैं घर में। अगर कोई 20 फुट का डोर लगाए तो क्या कहेगा कोई उसको, अरे भैया किसके लिए लगाया है? कोई नहीं लगाता 20 फुट का डोर। तो पुराने किले में जो 5 पांडवों के 5 बेडरूम बने हुए हैं, उसके अंदर जाने का रास्ता, उसके अंदर बेडरूम में भी जाने का रास्ता आप देखोगे 120 फुट का लगभग है, 120 फुट ऊंचा। अगर उनके साइज भी हमारी तरह होते तो इतना बड़ा बेडरूम और इतना बड़ा डोर अंदर जाने के लिए उसकी क्या आवश्यकता थी? उसको कमरा तो कह ही नहीं सकते। अगर कोई आपको कह दे कि खाली इतने बड़े टेंट के ये आपका कमरा है, तो ये तो कमरे की फीलिंग नहीं आएगी। कमरे की फीलिंग तभी आएगी जब हमारे जो घर के कमरे होते हैं उस हिसाब से, थोड़ा उससे बड़ा भी हो कोई बात नहीं, थोड़ा उससे छोटा भी हो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन इतना बड़ा तो उससे पता चलता है उनके आकार भी इसी प्रकार से थे। तो उससे पहले के जो त्रेता के जीव, उनके भी आकार उससे भी बड़े, और सतयुग में उससे भी बड़े आकार के जीव पाए जाते। उसी तरह से उनकी उम्र है, उसी तरह से उनके आकार है। लेकिन सतयुग और त्रेता में भी कितना अंतर था उसके लिए मैं आपको एक शास्त्रों में से एग्जाम्पल दूंगा, एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में से, जिससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है, कितना अंतर है। रावण तो सब जानते हैं, हर गली कूचे में भारत में रामलीला होती है, इसलिए रावण तो सब जानते हैं। रावण शिवजी के भक्त थे, या शिव जी से कुछ मांगने के लिए वो शिव जी की भक्ति
कर रहे थे। तो एक बार रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपना बल प्रदर्शन करना चाहा, तो उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे विराजमान होते हुए भी पूरा कैलाश पर्वत भगवान शिव के समेत उठा लिया। शिव जी ने पैर थोड़ा जोर से नीचे रखा तो रावण का हाथ उसमें अटक गया, वो फिर नहीं उठा पाया। शिव जी ने कृपा करी और उसका हाथ उसको निकाल लिया। उसके बाद शिव जी ने उसको कहा कि देख, अगर तुझे बल प्रदर्शन करना है ना तो मैं तुझे एक स्थान बताता हूं, वहां पे एक बहुत बड़े आकार की एक चीज है, तू उसको हिला के आना। अगर जो तूने उसको हिला दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तू बहुत बलवान है। तो रावण तो बहुत तैयार हो गया, हाँ हाँ बहुत से अपने भुजबल पे बहुत भरोसा था, हाँ हाँ अवश्य मुझे शीघ्र बताइए, मैं अभी उसको हिला के आता हूं। शिव जी ने वो स्थान और वो वस्तु बता के भेज दिया। वहां रावण गए और पूरा जी जान का जोड़ लगा लिया, वो चीज रावण से नहीं, पूरी ताकत लगा के दिनों दिन मेहनत करके थक के चूर के हार के वापस शिव जी के पास आ गए कि मैं, मुझे खेद है मैं नहीं हिला पाया उसको, वो चीज तो हिलती नहीं अपनी जगह से, वो तो बहुत भयंकर बहुत भारी और बहुत विशाल है, वो नहीं मैं हिला सकता। शिव जी ने कहा अच्छा चल ठीक है, आ गया वो पहाड़ के नीचे। लेकिन वही शिव जी चाहते थे कि ये समझ जाए कि ये को बहुत ज्यादा बलशाली नहीं है। लेकिन जब रावण ने पूछा क्या थी वो, क्या वस्तु थी जो आपने मुझे हिलाने के लिए भेजा था लेकिन मैं उसको हिला भी नहीं पाया, वो क्या था? तो शिव जी ने उसको बताया कि वो केवल हिरण्याक्ष के कान का एक कुंडल था। इतना बड़ा तो कुंडल पहनता था ये हिरण्याक्ष, जिसको रावण अपनी पूरी ताकत से हिला नहीं पाया। तो इसका स्वयं का आकार कितना बड़ा होगा? दो सौ मीटर का आकार तो, रावण के भाई का था, कुंभकर्ण का, वो रावण के लिए कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था, था लेकिन कंसीवेबल। लेकिन हिरण्याक्ष के कान का कुंडल भी अपनी सारी ताकत से रावण नहीं हिला पाया। तो उससे हमें यह ज्ञात होता है कि हिरण्याक्ष कितना होगा। कान का कुंडल का वजन किसी को महसूस भी होता है? जिसको इतना वजन महसूस भी नहीं हो, उतना वजन रावण अपनी पूरी ताकत से नहीं हरा पाया। तो रावण के बल में और उसके बल में और उसके आकार में कितना फर्क होगा? तो अगर इतना फर्क है तो वो धरती को हिला सकता था, उसने धरती को वास्तव में अपनी धुरी से हिला दिया। और उसके लिए भगवान वराह रूप धरके हिरण्याक्ष से युद्ध करने के लिए आए, जैसे कि इसमें दिख रहा है भगवान वराह रूप में हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर रहे हैं। ये कथा द्वितीय स्कंद के सातवें अध्याय में पहले श्लोक से भी आती है
और इसके बाद भी इसका जिक्र आता है। हिरण्याक्ष को बहुत अहंकार था अपने बल पे, वास्तव में भी बहुत बलवान अत्यधिक। हिरण्यकश्यप कुछ नहीं था हिरण्याक्ष के आगे, हिरण्याक्ष कितना बलवान था। और ये जो युद्ध हो रहा है ये पृथ्वी पे नहीं हो रहा है, ये गर्भोदक कोशन में हो रहा है, ये सारा ब्रह्मांड है, इसके यहां बीच में पृथ्वी है और ये नीचे गर्भोदक कोशन है जहां पे गर्भदक्षाय विष्णु विश्राम करते हैं। तो अगर कोई चीज यहां से गिरेगी तो वो यहां गर्भोदक कोशन में आएगी। तो गर्भोदक कोशन में जाके पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने छुपा दिया था, भगवान वराह रूप में गर्भोदक कोशन के अंदर गए और वहां से पृथ्वी को रेस्क्यू किया, अपने टस्क पे उठाया और वापस लाके उसके स्थान पे पहुंचा दिया। जब हिरण्याक्ष ने ये देखा कि किसी ने धरती को उठा के वापस उसके स्थान पे पहुंचा दिया है तो वो बहुत क्रुद्ध होके उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकला कि किसने इतनी हिम्मत की कि पृथ्वी को मैंने हटा के उधर रखा था, पृथ्वी को मैंने उठा के उधर रखा था और कोई उसको वापस निकाल के ले आया। तो वो आज का दिन है जिस दिन भगवान ने वराह रूप में जन्म लिया और धरती का उद्धार किया। बोलो वराह देव भगवान नीताय गौर प्रेमानंद। तो आज की कथा जो बताई उसके बारे में किसी को कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे आपने कहा था कि वहाँ पे स्मरण नहीं रहेगा, जैसे ऊपर ब्रह्मांड में वैकुंठ ब्रह्मांड में हम जाएंगे पहुंचेंगे तो वहाँ पे बुद्धि इस स्तर की नहीं होगी जो हमारी बुद्धि है, स्तर तो बढ़ेगी। हो तो उसमें हम स्मरण क्यों नहीं रहेगा, मतलब जैसे आपने कहा हम स्वेच्छा से स्वेच्छा भूल जाएंगे। मैंने तो कहा स्वेच्छा बोल दिया, मैंने कहा कि स्वेच्छा हमेशा जीव के साथ रहेगी। भगवान ऐसा भगवत गीता में भी बताते हैं कि हम लोग भगवान के भिन्न अंश हैं, जो एक बार भिन्न हो चुके और हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमेशा वैसे ही बना रहेगा, हम उस व्यक्तित्व को खो नहीं सकते। तो जो हमारा व्यक्तित्व है उसके साथ में एक फ्री विल है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी हो सकता है जब उसके पास फ्री विल है। अगर उसके पास फ्री विल नहीं है तो वो तो मशीन है, और उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अगर जो ऐसे ही प्रेम करना है तो एक मशीन से किया जा सकता है, लेकिन क्यों कोई मशीन से प्रेम नहीं करता? क्योंकि मशीन के पास स्वेच्छा नहीं है आपसे प्रेम करने की। मशीन को तो आपने प्रोग्राम किया आपसे प्रेम करने तो करेगी, प्रेम तो उससे होता है जिससे स्वेच्छा हो, जो स्वेच्छा से आपसे प्रेम, जिसको जबरदस्ती प्रेम करा तो वो कहां प्रेम। तो इसलिए जो हमारा व्यक्तित्व है इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअलिटी, और उसके साथ में आती है फ्री विल। इट्स द फ्री विल दैट मेक्स अस एन इंडिविजुअल दैट वी आर। If we don't have a free will, then
there is no difference between Marty and me. There is no difference. मिट्टी का पुतला बना के यहां रखा जा सकता है क्या? जी ये प्रवचन देगा? Hopefully I'm doing it something better. हरे कृष्ण. Thank you for tolerating me. हरे कृष्ण. रोजी बैकुंठ से हम स्वेच्छा से मृत्यु लोक में है, इस ब्रह्मांड में है. इस ब्रह्मांड से वापस जाने के लिए भी हमारी स्वेच्छा ही काम करेगी, और स्वेच्छा करने के बाद भी अगर मनुष्य प्रयासरत रहने के बावजूद भी उस ओर देख ही नहीं पाता है, उस ओर जा ही नहीं पाता है, तो वो क्या चीज है वो समझ नहीं है. मुझे प्रश्न समझ, अगर जो प्रयास है तो फिर क्यों नहीं देख पाएगा? प्रयास कर रहा है लेकिन भटक जाता है. भटक जाता? हाँ जी. भटकना तो स्वेच्छा का अनुरूप है, क्योंकि स्वेच्छा है इसीलिए वो भटक रहा है, इसीलिए उसके पास भटकने की ऑप्शन है. अगर फ्री विल है तो वो फ्री विल इस तरफ जाने के लिए भी यूज कर सकता है, इस तरफ जाने के लिए भी यूज कर सकता है, इस तरफ जाने के लिए भी यूज कर सकता है, इस तरफ जाने के लिए. अगर जो वो फ्री विल उससे ले लो तो वो वहीं जाएगा जहां आप कहोगे, तो फिर वो इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई. यू बिकम अ मशीन, यू बिकम डेड मैटर, देन देर इज नो नो एंजॉयमेंट, देर इज नो आनंद. जिस तरह से जब कोई अपराधी इस संसार में, रोहिणी में मान लो, रोहिणी में कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको कुछ समय के लिए सजा दे दी जाती है और उसको वहां जेल में भेज दिया जाता है. यहां ये बाहर भी एक्चुअली जेल है लेकिन वो और छोटी जेल में डाल दिया गया कुछ समय के लिए. और हम ऐसा होप करते हैं, क्यों हम किसी अपराधी को जेल में भेजते हैं? जिससे कि वो रिफॉर्म होके वापस आए. इसलिए नहीं भेजते कि हमें उसको भेजने का शौक है. हमें जेल नहीं चाहिए, कोई गवर्नमेंट जेल नहीं चाहती, कोई गवर्नमेंट जेल बनाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी बनानी पड़ती है क्योंकि कुछ लोग अपराध जरूर करेंगे, तो उनको जेल में इसलिए भेजा जाता है कि चलो ठीक है तुमने अपराध किया, तुम इसके बारे में सोचो, यहां पे अपना सुधरो और सुधर के बाहर आओ. सुधर के जब वो बाहर आएगा तो होपफुली दोबारा से अपराध नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसको पता है वापस जेल में जाना है, और अगर उसने अपराध नहीं किया तो वो अपनी स्वेच्छा से एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह हैप्पीली लिविंग एवर आफ्टर. सो इट्स द सेम थिंग, जब हम यहां से वापस यहां जाएंगे हमें अपनी स्वेच्छा से वी हैव टू बिकम अ प्रॉपर लॉ अबाइडिंग सिटीजन. इफ वी डोंट देन वी कम बैक, इफ वी डू वी स्टे देयर. लेकिन अगर वो फ्री विल हमसे ले ली जाए कि तू अपराध कर ही नहीं सकता, तू कुछ और कर ही नहीं सकता, तो देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस एंड अ मशीन. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु जी जैसे कि बैकुंठ लोक में ईर्ष्या करते हैं तो जीवात्मा इस लोक में आती है, तो क्या ये आज भी ये प्रोसेस वहां पे चल रहा है कि बैकुंठ लोक से लोग नित्य प्रति वहां से नीचे आ रहे इस पर जगत में? डेफिनेटली. जैसे जेल में जाओ तो रोज का कुछ ना कुछ वो होता है जर्नल कि आज इतने कैदी को छोड़ा जाएगा, इतने नए कैदी आने वाले हैं, उनके लिए जगह बनाओ, जेल का सेल साफ सुथरा करो, इसको मूव आउट करने की तैयारी, इसको मूव इन करने की तैयारी, रोज का जर्नल होता है. ऐसे ही इस भौतिक जगत में रोज का जर्नल है, अपराधी आत्माएं आ रही हैं और शुद्ध आत्माएं वापस जा रही हैं, शुद्ध हो के वापस जा रही हैं. बैकुंठ जगत से तुमने सुना है कि कोई भी आत्मा का नित्य मुक्त जीव सब वहां रहते हैं और कोई भी आत्मा बैकुंठ में से नीचे नहीं गिरता? नहीं. तो आज के समय में भी अगर वहां से गिर रहे हैं तो एक तरीके से मृत्यु लोक के समान वहां पे नित्य प्रति मृत्यु हो रही है, वहां से आत्माएं रोज नीचे गिर रही. आपने जो शब्द यूज किया नित्य मुक्त, जी गुरु, नित्य मुक्त कुछ आत्माएं हैं जी. चलो प्रभुपाद
उसका उदाहरण देते हैं, नित्य मुक्त कौन सी आत्मा है। नित्य मुक्त इस तरीके की आत्माएं हैं जैसे माता यशोदा, नंद बाबा, वसुदेव, देवकी, भगवान के क्लोज रिश्तेदार, उनके सबसे नजदीकी सखा, ये सब नित्य मुक्त हैं। इंग्लिश में कहते हैं इनफैलिबल, ये फॉल नहीं हो सकते कुछ भी करें, ये नित्य मुक्त है। लेकिन सब आत्माएं नित्य मुक्त नहीं है, सब आत्माएं नित्य बद्ध हैं। नित्य बद्ध हैं तो यहां पे हैं तो पूरी तरह से बद्ध है, और यहां से बाहर हैं तो इस ऑप्शन से बद्ध हैं कि हम कभी भी यहां वापस भी आ सकते हैं। किसी भी कैदी को जब जेल से छोड़ा जाता है तो उसको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि अब तुझे कभी वापस जेल नहीं होगी, फिर से अपराध करेगा फिर से जेल होगी। तुझे केवल अभी के लिए रिहा किया जा रहा है, पिछले जो अपराध है उसके लिए तूने सजा अपनी काट ली, अब जाके बाहर अपराध नहीं करना, अब जाके बाहर अपराध किया तो फिर से जेल। तो हम नित्य मुक्त नहीं है, हम नित्य बद्ध हैं। और ज्यादातर सभी आत्माएं जो वैकुंठ में भी निवास करते हैं वो भी नित्य बद्ध है। वो पब्लिक दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, यू आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बिकॉज यू चूज टू डू दैट, यू वॉन्ट टू बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, दैट्स व्हाई यू आर आउटसाइड ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। मैंने क्लोज अप करके देख लिया, ये आपने खुद अपने मन से, हम ये चूज करते हैं कि हाँ हमें एक अच्छा नागरिक बनके रहना है, नहीं तो हम भी जिस किसी के पास कोई अच्छी चीज दे जा, देखे जाके छीन ले उससे, क्यों नहीं हम छीनते। कभी इच्छा हो भी सकती है लेकिन फिर भी हम नहीं करते ऐसा काम, क्यों? क्योंकि हमें पता है वो पाप है, वो हमें कहां एंड अप कर, नहीं करते। लेकिन वो ऑप्शन हमारे पास खुली है, कभी भी हम जाके किसी की जेब में से कुछ पर्स बाहर निकल रहा हो उसको खींचने की कोशिश कर सकते हैं, किसी का कुछ लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते ऐसा। स्वेच्छा से हम नहीं करते ऐसा, स्वेच्छा से हम कर भी सकते हैं, तो हम नहीं करते। दैट मेक्स अस अ प्रॉपर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जो ऐसा करे दैट पर्सन इज नॉट, देन दैट पर्सन हैज टू पे फॉर इट। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने शंकराचार्य जी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी एक वो है कि उन्होंने इतने मंदिर भी बनवाए, वेदों की भी स्थापना की, लेकिन फिर भी हम उन्हें मायावादी कहते हैं। और दूसरा ये है कि भागवतम में आता है कि रावण के लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो शंकर भगवान की पूजा करते थे लेकिन फिर भी उन्हें नास्तिक क्यों कहा। नंबर एक, शंकराचार्य, मैंने जैसे बताया कि शंकराचार्य ने हमारे सब प्राचीन पुराने मंदिरों के पुनरुद्धार करा, उनके निर्माण नहीं कर। जो रामानुजाचार्य के बारे में भी बताया वो भी पुराने मंदिरों के पुनरुद्धार हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर का निर्माण रामानुजाचार्य ने नहीं कराया, बद्रीनाथ का निर्माण शंकराचार्य ने नहीं कराया। ये तो इस तरीके के स्थान हैं जो इनकी कभी, ये सनातन है, ये स्थान भी सनातन है, इनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, इनका कभी क्षय नहीं होता। तो पुनरुद्धार करने से मतलब है कि उसको फिर से एक रिकग्निशन दी गई, जैसे ये स्थान जहां पे हम बैठे हैं इसको जैपनीज पार्क नाम देके कोई रिकग्निशन मिली हुई है। जिस दिन तक इसका नाम जैपनीज पार्क नहीं था, ये ऐसे ही एक भूमि का टुकड़ा था, उसका कोई नाम नहीं था। लेकिन
आज मान लो ये जापानीज पार्टी, कल ये फिर भूमि का टुकड़ा हो जाता है। 100 साल बाद कोई आता है, अरे ये तो वही पुराना स्थान है जिसको हम पहले जापानीज पार्क कहा करते थे, तो इसको वापस इसको जापानीज पार्क बना देते, तो उसको कहते हैं पुनरुद्धार। उन्होंने मंदिरों में पूजा और लोगों की भावना कि भाई हाँ यहाँ ये मंदिर है, ये सब शुरू कराया, और वेदों की भी स्थापना करी, वेदों की भी पुनर्स्थापना। उन्होंने कोई नए वेद नहीं लाए, वेद तो पहले से ही थे, उन्होंने उसकी पुनर्स्थापना की। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कि वेदों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, वेदों की एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकल सकती है कि हम और भगवान एक ही हैं, क्योंकि वास्तव में वो भी एक लेवल पे राइट है। तो उसका जो खुलासा है वो आगे अभी 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया। पहले अद्वैत और द्वैत ये दो पंथ हुआ करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने दोनों की आके सुलह की कि वास्तव में तुम दोनों ठीक हो, लेकिन एक और बात है जो दोनों से ज्यादा ठीक है। क्या? अद्वैत कहते हैं, जिसको हम मायावादी कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान के समान गुण है, हम भी सनातन और फुल ऑफ नॉलेज फुल ऑफ ब्लिस सच्चित आनंद है हमारी आत्मा, आत्मा के स्वरूप में हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भगवान के पुत्र हैं, तो हम भगवान के स्वरूप हुए तो एक ही बात है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ वो ठीक है, लेकिन एक आत्मा का परमात्मा जो अनलिमिटेड है उससे कंपैरिजन इस तरह से है कि हम एक कप पानी अगर प्रशांत महासागर से भर लाए, उसको कहें कि ये मैंने प्रशांत महासागर यहां होल्ड किया हुआ है, ठीक है मैं अपनी बेवकूफी में कह सकता हूं हाँ मैंने ये प्रशांत महासागर होल्ड किया हुआ है, लेकिन ऐसे 10 लाख कप भी प्रशांत महासागर को होल्ड नहीं कर पाए। तो भगवान कहते हैं कि गुणात्मक दृष्टि से हमारे अंदर भगवान के गुण पाए जाते हैं, इसलिए अद्वैत भी ठीक है, लेकिन द्वैत भी ठीक है, क्योंकि जो मात्रा है वो हम एक बहुत छोटी सी माइन्यूट एक तरह से बूंद है, और भगवान होल नहीं है, वो होल से भी ज्यादा, वो अनलिमिटेड है, असीमित। तो उन्होंने एक नए दर्शन की स्थापना की, उसका नाम है अचिंत भेद अभेद तत्व, के इनकंसीवेबली वी आर सेम एज गॉड एट द सेम टाइम गुड नॉट, भेद अलग अलग और अभेद सेम, दोनों है, दोनों को समझने का इंटेलिजेंस व्यक्ति में होनी चाहिए कि मेरी आत्मा जो है उसके गुण तो भगवान की तरह है, लेकिन फिर भी वो कभी भगवान नहीं बन सकती, भगवान का अभिन्न अंश है, जो एक बार अलग हो गया वो हो गया, वो भगवान में जाके मिल भी जाएगा तो भी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं छोड़ेगा। तो जिसको कहते हैं कि भगवान में जाके मिल जाना या ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाना, जब तक आपकी इंडिविजुअलिटी है, ब्रह्म ज्योति में आप जाके लीन हो भी गए तो भी वहां पे कितने दिन मन लगेगा बिना कुछ करे। हम चाहते हैं कि हमें कुछ करने को नहीं हो, लेकिन वास्तव में हम बहुत समय बिना कुछ करे रह भी नहीं सकते, कभी ट्राई करना जाकर कि बिना कुछ करे कितने दिन रह सकते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में कुछ करने के लिए नहीं है,
और कहीं पे भी जाके लीन हो जाओ, भगवान के शरीर में भी जाके लीन हो जाओ, सायुज्य मुक्ति और कितने तरीके की सारूप्य मुक्ति, ये सब में इंसान बोर हो जाएगा और फिर वापस जैसे उसके मन में कोई इच्छा होगी, वो इच्छा हो गए, वो इच्छा उसको वापस पूरी करने के लिए यहाँ। तो इसलिए अगर हम वो सब मुक्तियों को त्याग के केवल भगवान की सेवा करना चाहें तो हम सेवा में स्थित रह सकते, ये हमारे ब्रह्म मध्व ग्वालियर संप्रदाय मेरी पर्सनल। ओके, रावण, रावण को नास्तिक क्यों कहा गया है? एक्चुअली मुझे इतना क्लियर नहीं है कि उसको नास्तिक कहा गया है, लेकिन एक तरह से नास्तिक कहा जा सकता है। क्या मीनिंग आप नास्तिक का यूज करो, भक्त वो होता है जो भक्ति करे, भक्त भक्ति का मतलब होता है प्रेम, का मतलब होता है टू गिव। लेकिन जब हम किसी से प्रेम नहीं करते, स्वार्थ करते हैं कि मैं तेरे लिए ये करूं तो तू मेरे लिए ये कर, तो वो आदान प्रदान है, बिजनेस है, व्यवसाय है, उसको प्रेम नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे रावण कोई भक्त नहीं था, वो तो केवल उसने शिवजी की तपस्या की कि मुझे अमरता प्राप्त हो, शस्त्र प्राप्त हो, बल प्राप्त हो और मैं मान प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त, तो उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। तो उस तरीके से उसको नास्तिक कहा जा सकता है, भगवान को मानता है लेकिन केवल भगवान से मांगना मानता है। जैसे कि ओम जय चित्ते नोट हरे, स्वामी जय चित्ते नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे, ओम जय चित्ते नोट हरे, उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। हम भगवान से नोट मांग रहे हैं, सुख दंपति घर आए कष्ट मिटे तंका, वो भक्ति नहीं है, वो प्रार्थना है, कर्म कांड है, कुछ मांगा। क्योंकि अगर जो प्रेम है तो फिर वो मांगना नहीं पड़ता, भगवान तो सब कुछ हमें दे रहे हैं, हम मान क्यों रहे हैं? जैसे एक माँ अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट भी देती है, लंच भी देती है, लंच के बाद देखती है ये बच्चा बैठा रो रहा है कि बेटा क्यों रो रहा है, माँ मेरा डिनर कहां से आएगा, मेरे डिनर की चिंता है मुझे, तो माँ क्या कहेगी? बहुत खुश होगी कि क्या तुझे मेरे पे इतना भी विश्वास नहीं बेटा, नाश्ता मैंने तुझे दिया, लंच मैंने तुझे दिया, तो मैं डिनर भी दूंगी ना, रो क्यों रहा है, मांग क्यों रहा है कि ना। तो जब भगवान सब कुछ दे रहे हैं तो फिर क्यों हमें खड़े होके सुबह से शाम तक सुख संपत्ति घर आए और चिट्ठे नोट हरे ये सब करना? भगवान का दिया सब कुछ तो है, आगे भी भगवान देंगे, आज तक भी दिया है, ये अनादर है भगवान का एक तरह से। अभी किसी को कुछ भी नहीं दिया तो चलो कोई बात नहीं, वो कुछ मांग रहा है, लेकिन जब जो संपन्न लोग हैं वो भी खड़े होकर भगवान के आगे हर समय मांगते रहे तो अनादर है। जिस तरह से हम अपनी माँ का अनादर करेंगे कि हम कल के खाने के लिए रो रहे हैं, उसने आज का खाना दिया, तो माँ क्या सोचेगी कि तुझे मेरे में इतना भी विश्वास नहीं है, थोड़ा तो विश्वास कर ले बेटा, मैं दूंगी तेरे को, तेरी माँ हूं मैं, खड़ी हूं यहां किचन में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अभी और जो प्रश्न है वो हम कल लेंगे।
और यहाँ से आगे की कथा कल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भजन गाने को, ये शीट बांटनी है, कृपया सब खड़े होकर भजन करें, उसके बाद आरती होगी। जो भी भगवान को दिल से मनाना चाहता है कृपया खड़े होकर नाच के दिल से भगवान को मनाए, भगवान बड़ी जल्दी आपकी मानेंगे। और उसके बाद
केशव मुरारी जी स्कॉन रोहिणी के टेंपल के मैं प्रेजिडेंट है, उनसे कृपया रिक्वेस्ट है मंच पर आए। केशव मुरारी जी, स्वामी जी परम श्रद्धे केशव मुरारी जी, कृपया करके मंच पे आके सबको आशीर्वाद दें। कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु कौन है, वो हाथ नीचे रखे। चलिए उठाइए, कितने लोग नित्यानंद प्रभु जानते हैं? और जो लोग नहीं जानते वो हरि बोल ऐसे करें। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के अग्रज हैं, जैसे कृष्ण बलराम हैं उसी तरह कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो साथ में बलराम जी भी आए, वो नित्यानंद प्रभु। तो कृष्ण जो है कलयुग के अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में और साथ में बलराम नित्यानंद जी के रूप में। और नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की भक्ति लोगों को बहुत आसानी से फ्री में बांट की जब वो थे। और अब भी अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम लोग कृष्ण प्रेम चाहें इस जीवन में, तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रणाम करें, उनका नाम ले, तो निश्चित रूप से उसको इस जीवन में कृष्ण प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। तो उन नित्यानंद प्रभु का कल आविर्भाव दिवस है और हम लोग यहाँ पर गौर मिताई जी के यहाँ पर अभिषेक करेंगे। 4 बजे का टाइम है तो 4 ही बजे शुरू होगा और 5 बजे खत्म कर देंगे ताकि कीर्तन साथ में चलता रहे और प्रभु जी की कथा समय से शुरू हो। ठीक है, तो कितने लोग प्रयास करेंगे 4 बजे आने का? सबको कृष्ण प्रेम मिलेगा। हरी वो, तो आप सबसे प्रार्थना क्या कर सकते हैं, और उस दिन आपको प्रसाद के साथ 56 भोग भी प्रसाद के रूप में मिलेगा और चरणामृत मिलेगा। ठीक है, तो आप सबसे प्रार्थना की आप भविष्य कल समय से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। मेरी सभी इस्कॉन भक्त रोहिणी की तरफ से प्रार्थना है, सभी भक्तों की तरफ से, प्रभु और माताओं की तरफ से, केशव मुरारी जी ने आज 5 दिन हो गए अभी तक कोई भजन नहीं सुनाया, जबकि इतना अच्छा भजन सुनाते हैं कि आप सबको बहुत खुशी मिलेगी। क्या आप चाहते हैं केशव मुरारी जी भजन गाए? जो जो चाहते हैं हाथ खड़ा कर दें। प्रीतम, हरे कृष्ण। क्या कहना है? डीवीसी। हरे कृष्ण। तो भजन सुनिए। एक मिनट। आजकल जब से हमारा इस्कॉन रोहिणी बनना शुरू है तो हमारे मन में हमारे जीवन पे एक ही भजन है, और वो क्या है? हाँ, कलेक्शन। हाँ, कलेक्शन मेरे बैग में। पत्ते और कलेक्शन। तो सुने, हमें भजन में वही चाहिए। और जितना किसी ने पता नहीं बोला था बड़ा सुंदर बात कि मंदिर, जैसे अर्जुन को बोला भगवान ने कि सबको मैं मार चुका हूँ, तुम्हें तो निमित्त मात्र बनना, उसी तरह बोला गया कि भगवान ने सब पे कृपा की है और रोहिणी का मंदिर बनने के लिए जितना हमें फंड चाहिए वो इकट्ठा हो चुका है। नहीं है क्या?
लेकिन उसके आपके बैंक मेरे बैग में निकाल लिया, दूसरी है लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट सर्विस बता देंगे, आप प्रसाद देंगे या प्रसाद देने के बाद जब आएंगे।